अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, कैसे हैं आप सब। ये मैंने स्टैंड पहले बनाया था, चार बोर्ड्स लगा के मैंने दीवार में किए थे और ये दरमियान में एक जो टी थी इसको मैंने वेल्ड कर दिया इन दो जॉइंट्स, एसी वाले जो ये एंगल्स होते हैं इनके साथ वेल्ड कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये आया था कि इनके ऊपर जब लकड़ियाँ रखी दरमियान से जगह खाली थी, तो जो लकड़ियाँ थी वो बेंड हो गई, तो इसीलिए फिर जो है ना मैंने सोचा कि दरमियान में मैं ये लगा दूँ रॉड्स लोहे के, इनको वेल्ड कर दिया जाए ताकि मसला हल हो जाए। लोग सोच रहे होंगे अब ये वुड रख के ट्राई करते हैं, क्योंकि अब मैं नई वुड ला नहीं सकता क्योंकि लकड़ी थोड़ी सी महंगी होती है, तो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं, तो इसलिए मैं इस पुरानी लकड़ी को ही चलाऊंगा। और अब आप कहेंगे यार क्या फ़ायदा वेल्डिंग करने का, बेंड हो गई है, इनका फ़ायदा ही नहीं है, लग तो रहा है नहीं, रॉड लगाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़ायदा ये मसला, आपको एक मज़े की प्रॉपर्टी बताऊँ कि जब लकड़ी को हम गीला करते हैं या उबालते हैं तो वो घंटों के कुछ घंटों के बाद उस जिस शेप में उसको डालना चाहें डाल सकते हैं, या फिर कुछ दिन जो है ना उसको गीला करके रखें और ऊपर वज़न डाल के रखें तो वो ड्राई होने तक जो है वुड जिस
शेप में उसको रखें वो उस शेप में वुड आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा गरीब आदमी हूँ, तो मैं इसी वुड को गीला करके इसी तरह रखूँगा तो कुछ दिनों तक ये सीधी और नॉर्मल हो जाएगी, नीचे तक पहुँच जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।